गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास देयर वाज होमवर्क फॉर अमलगमेशन चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 का बैलेंस शीट वी हैव टू मेक, राइट? सो दिस वाज अ स्पेशल प्रॉब्लम इन विच वी हैड कैपिटल डिडक्शन प्रीवियसली। पहले हमारा लोन वेव हो रहा है एंड इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, राइट? पहले 100 का शेयर था, उसको हमने 10 में रिड्यूस कर दिया तो 90 कैपिटल रिडक्शन में चला गया। उसके बाद जो 10 का शेयर था उसको हमने कंसोलिडेट किया तो कंसोलिडेशन में टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम, राइट? क्लियर? एंड देन दिस वाज द शेयर दैट वी हैव इश्यूड इन पीसी परचेज कंसिडरेशन। ओके, चलिए आइए। सो ये हमारा ऑलरेडी बैलेंस शीट दिया हुआ है। सो बी हैज अक्वायर्ड ए, राइट? सो बी का पहले कैपिटल रिडक्शन हुआ था, सो कैपिटल रिडक्शन के कारण लोन वेव हो गया, शेयर कैपिटल वेव हो गया एंड देन अमाउंट वेव्ड वाज मोर देन दी लॉस, राइट? एसेट साइड में देर वाज अ लॉस, सो उसके बदले में वी आर गेटिंग दिस कैपिटल रिजर्व। ये हमारे बुक्स में कैपिटल रिजर्व आ गया था, राइट? सो दिस इज अ रिवाइज बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी विच इज अ परचेजिंग कंपनी, राइट? प्लस बी का हमने जो जो खरीदा, क्लियर? एंड दिस वॉज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बिकॉज ऑल द फाइव कंडीशन आर सेटिस्फाइड। वेरी गुड, चलिए लेट अस स्टार्ट। टाइप के लिए बात कर रहा हूँ, दीपक कुछ मिनट का टाइप के लिए बात। उनको पूछो किसी से बात होता है क्या आपका, नहीं हुआ तो भेज दो। कंपनी का नाम है बी लिमिटेड। नाउ भूलिएगा मत एंड रिड्यूस लिखना। अमलगमेशन हुआ है, ठीक है। बी हैज अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, दैट इज ओके, बट बी का कैपिटल रिडक्शन भी तो हुआ है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2021, रुपीज इन थाउजेंड ही लिख लेते हैं, सॉरी। ये नोट्स आएगा,
सबसे पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। सो नोट वन में यहां लिख देंगे हम लोग ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, ना ऑलरेडी अगर आप देखेंगे 1000 शेयर ₹100 वाला है, प्लस हमने 20,000 शेयर नया कंपनी को इशू है, नया कंपनी ने पुराना कंपनी का जब बिजनेस खरीदा तो उसको इशू किया है, मैंने इशू किया ना ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को 20,000 पीसी, तो मेरे पास अपना 1000 है प्लस 20,000 तो 21,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड 21,000 आएगा शेयर, शेयर तो 21,000 आएगा ना, 1000 मेरा कंसोलिडेट करने के बाद प्लस 20,000 हमने ए लिमिटेड के शेयर होल्डर को दिया तो 21,000 शेयर है, वही तो यहां लिखा है हमने, तो 21 लाख टोटल 21,000 × 100 rupees in 1000 सो 2100 आएगा, सो दिस इज नोट वन 2100। नोट टू, रिजर्व एंड सरप्लस, मेरा अपना रिजर्व प्लस मर्जर है तो तुम्हारा रिजर्व्स भी ऐड होगा, और एमलगमेशन के पहले कैपिटल रिजर्व अराइज हुआ था, सो मेरा अपना जनरल रिजर्व कितना है, व्हाट इज माय ओन जनरल रिजर्व, नोट टू में देखना पड़ेगा, मेरा अपना जनरल रिजर्व 1000 है, सॉरी मेरा अपना कुछ है ही नहीं, ये तो ओल्ड कंपनी है ना, दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू, मेरा अपना तो खाली कैपिटल रिजर्व है बस, क्योंकि मेरे बुक्स में लॉस था इसीलिए तो हमने कैपिटल डिडक्शन किया, ठीक है। तो जर्नलिज्म मेरा अपना कुछ नहीं है, प्लस मैंने तुम्हारा जो 1000 खरीदा नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होगा, मेरा अपना 10% डिबेंचर नहीं है, तुम्हारा वाला मैंने एज इट इज खरीद के तुम्हारे वाले को अपने वाले से बदल दिया, और लोन फ्रॉम बैंक
तुम्हारा वाला खरीद के मेरा वाला का कैपिटल डिडक्शन भी हुआ था, तो मेरा वाला रिवाइज फिगर आएगा। टेन परसेंट डिबेंचर कितना है? 500। लोन फ्रॉम बैंक मेरा अपना 390 है, कितना आ रहा है? ट्रेड पेबल में मेरा वाला तुम्हारा से ऐड हो जाएगा, मेरा अपना पहले का बैंक ओडी पड़ा हुआ है। माइनस म्यूचुअल इंडेबटनेस सेट ऑफ होगा, म्यूचुअल इंडेबटनेस 100 का है, राइट? करंट लायबिलिटी में कुछ नोट वोट बनाने का दरकार नहीं है। मेरा अपना 300 है, मैंने तुमसे 300 लिया, हमारा म्यूचुअल इंडेबटनेस 100, तो ये 500 आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओडी खाली मेरा पड़ा हुआ है 50। हाँ नहीं, सिंगल का नहीं होगा। देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ मच टाइम यू हैव इन एग्जाम। अगर एग्जाम रियल लाइफ में तो आपको हर चीज का नोट दिखाना है, एग्जाम में टाइम नहीं है तो अपने टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? सबसे पहले नॉन करंट एसेट, मेरा वाला में तुम्हारा वाला ऐड हो जाएगा, मैं न्यू हूं, मैंने इसको खरीदा है। है ना, पीपीई सब बुक वैल्यू में खरीदा है। पीपीई मेरा 850, तुम्हारा 2700 खरीद लिया। ये टोटल शायद गलत है, कत तो से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 700, करंट एसेट में मेरा कितना है? अमर को तो मेरा 150 में तुम्हारा 400 ऐड होगा, माइनस कॉन्ट्रा
मेरा 150 में तुम्हारा 400 ऐड हो गया, माइनस 100, 450 कैश इक्विवेलेंट मेरा है नहीं, तुम्हारा 250 ऐड करेंगे, दिस इज हाउ वी नीड टू प्रेजेंट। डन, चले आइए। सो ये हमारा होमवर्क था। नाउ इलस्ट्रेशन 7, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक जितना भी सम हम लोग किया ना, मैक्सिमम सम वॉज अब्सॉर्प्शन, मतलब एक कंपनी दूसरे को खरीद रहा है, तो परचेसिंग कंपनी को न्यू कंपनी बोल रहे हैं अपन। वन कंपनी इज परचेसिंग अनदर कंपनी, सो द परचेसिंग कंपनी को हम लोग क्या कंपनी बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज न्यू कंपनी, राइट। नाउ इलस्ट्रेशन 7 इज बेसिकली अमलगमेशन। सो ये ओल्ड कंपनी हो गया, ये भी ओल्ड कंपनी हो गया, एंड दिस इज न्यू कंपनी। यहां पे दो ओल्ड कंपनी, दो मिलके एक नया बन रहा है, के लिमिटेड एल लिमिटेड, दोनों को मिला के समझ गया। तो जब नया कंपनी एसेट एंड लाइबिलिटी खरीदेगा तो दो दो कंपनी का खरीदेगा, बिजनेस परचेस करेगा तो दो दो कंपनी का करेगा, राइट। अब दोनों ओल्ड कंपनी का डिटेल दे दिया, क्योंकि नया कंपनी तो बनेगा ना अभी, एक्चुअली यहां पे न्यू कंपनी फॉर्म होता है। अब्सॉर्प्शन में क्या होता है, जो परचेसिंग कंपनी होता है उसको अपन न्यू कंपनी बोलते हैं। दोनों का शेयर कैपिटल दे दिया, दोनों का रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया, उसका नोट नीचे है, ठीक है। दोनों का लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी नोट नीचे है, ट्रेड पेबल, दैट्स इट, छोटा बैलेंस शीट है। पीपीई में दोनों का दे दिया, इंटेंजिबल एसेट दोनों का दे दिया, बाकी इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश दे दिया, ठीक है। नोट्स में क्या है, दोनों का इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, ठीक है ना। तो परचेस कंसिडरेशन दोनों कंपनी को देंगे, दोनों कंपनी का दोनों शेयर होल्डर को मिलेगा। एक में 5% डिवेंचर है, एक में लोन है, ठीक है। पीपीई का ब्रेकअप बता दिया, एक में खाली गुडविल है, कैश बैंक दोनों का दे दिया, ठीक है। अजम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ बोथ कंपनी, मतलब न्यू कंपनी
will also take over liability of old company. समझ गया मेरा बात? पांच preference share दूंगा, 18 का 4 रुपया प्रीमियम में, नाउ शेयर है 20 रुपया का, लेकिन मेरा मेरे हिसाब से पेड अप विल बी 18, ये समझने वाला बात है, और प्रीमियम 4 रुपया, इसका मतलब इश्यू प्राइस कितना हुआ, 22, मतलब जिसको भी मैं शेयर दूंगा इन शेयर होल्डर से वापस से मैं फ्यूचर में कितना मंगा सकता हूं? यूजुअली अगर मैंने तुमको शेयर इश्यू कर दिया तो तुम्हारा लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू. इफ आई एम गिविंग यू शेयर, अभी तक जितना भी सम किया उसमें क्या था, फुल्ली पेड अप शेयर मैंने तुमको इश्यू किया, बट यहां पे आई एम गिविंग यू पार्टली पेड अप शेयर. एनी वे द शेयर विच आई हैव गिवन यू उसका वर्थ क्या है, 22, जिसमें 4 रुपए प्रीमियम है, तो इन फ्यूचर आई कैन ऑल्सो मेक अ कॉल, मैं आपसे कितना रुपया मंगा सकता हूं, 2 रुपए अनकॉल्ड. जो केएल लिमिटेड है, जो नया कंपनी है, वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 2 रुपए और मंगा सकता है, हालांकि एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा. अभी तक जितना भी सम किया, नया कंपनी 10 का शेयर है, 10 रुपए पूरा पेडअप, 100 का शेयर है, 100 रुपए पेडअप, बट यहां पे 20 शेयर का है लेकिन 18 पेडअप, 2 रुपए का विंडो छोड़ दिया. हमारा एंट्री इशू प्राइस से होगा, किससे होगा हमारा एंट्री, हर एक प्रेफरेंस शेयर के लिए 5 प्रेफरेंस शेयर, रेशियो देख लो. इक्विटी शेयर में भी सेम है, 6 इक्विटी शेयर दे रहा हूं हर एक इक्विटी शेयर के लिए, वही 22 रुपए में दे रहा हूं. अभी मैं इनको कैश भी दूंगा, ये वाला कैलकुलेशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसको बाद में करेंगे अपन. डिवेंचर को टेक ओवर हो रहा है 5% डिस्काउंट में. डिवेंचर कितने का था, 2 लाख का, 2 लाख का 5% कितना होगा, 10,000, 190 इज द टेक ओवर वैल्यू, न्यू वैल्यू. एंड दिस न्यू वैल्यू इज गिवन बाय इशूइंग न्यू डिबेंचर. राइट, सारा का सारा एसेट लायबिलिटी को बुक वैल्यू में खरीदा हमने, सिवाय ट्रेड रिसीवेबल एंड, दोनों का ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजन इन्वेंट्री पे. और ये खरीदने के बाद, अभी नहीं, म्यूचुअल सेटअप बाद में,
दिस इज न्यू शेयर्स इश्यूड बाय न्यू कंपनी. नॉर्मल फ्रेश इशू का एंट्री होगा. दोनों ही केस में अपने को बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी पूछा है, न्यू कंपनी पूछा ही नहीं है. न्यू कंपनी भी कर लेंगे अपन. तो इससे मतलब नहीं है, अभी अपन को खाली पीसी निकालना है. ठीक है, चले आइए. इलस्ट्रेशन 7. कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन अमाउंट पेबल बाई KL लिमिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ, पहले K लिमिटेड का कर रहे हैं. पेमेंट टू के लिमिटेड का कितना कितना शेयर होल्डर है? आठ हजार यहां है, 4000 यहां है. है ना? आठ हजार, सॉरी ये वाला 4000 है ना. इक्विटी का नंबर है 8000, चेक कर लेते हैं. चार हजार प्रेफरेंस शेयर है लोग, हर एक को पांच प्रेफरेंस शेयर दे रहा नया कंपनी वाला, और हर एक को छह इक्विटी शेयर दे रहे नया कंपनी वाला. तो यहां पे 20,000 शेयर हो गया.
20,000 इंटू 22 करो 4,40,000 है ना, और ये 48,000 इंटू 22 कितना रही है हा? अभी यहां पे कैश भी बोला है बट उसका फिगर नहीं दिया हुआ है, दे हैव टोल्ड अस कैश ऑल्सो बट दे हैवंट गिवन अस द फिगर, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इन एडिशन नेसेसरी कैश वुड बी शुड बी पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ बोथ द कंपनीज एज इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज. नाउ व्हेन दे टॉक अबाउट राइट, इट मींस नेटो. दोनों कंपनी का नेट एसेट टेकन ओवर निकालेंगे. इन अकॉर्डेंस विथ इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब ही होता है अगर आज कंपनी को हाइपोथेटिकली बंद कर दे तो एक एक शेयर होल्डर को कितना रिफंड मिलेगा, राइट. सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज टू कैलकुलेट नेटो. इट इज दिस सिमिलर, इंट्रेंसिक वैल्यू सिमिलर टू नेटो, राइट. कैलकुलेशन ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू. ठीक है, के लिमिटेड का अलग निकालेंगे, एल का भी चाहिएगा इसलिए दोनों साथ में निकाल ले रहे हैं. क्या क्या दिया हुआ है पहले सारा एसेट बताओ. कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू, एसेट के लिए कुछ बोला नहीं है, बुक वैल्यू 1130 820 सीधा डायरेक्ट. पीपीई 1130 820, गुडविल 80, इन्वेंट्री को लेना है 98% पे, ट्रेड रिसीवेबल को लेंगे 97.5% और कैश लेना है.
225 का 98% करो, कितना रहा? 225 का 98%। हाँ वन फोर्टी का 98%। हाँ 275 का 97.5%। टू एखे 175 आ 97.5%। ये कितना होगा? 268, 125, 275 था इधर में और इधर में 175 है। 175 का 97.5%। वन सेवन जीरो 625 पक्का? कैश एज इट इज लिख दो। 161375, 72775, 161375, 161375, 72175 टोटल करो लेस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इधर आएगा 190, वन लैख टू लैख टेन, वन दिस इज नेट एसेट्स। कितना आ रहा है? ক্যালকুলেটার আমাকে দিয়ে দাও নাহলে, আমার ক্যালকুলেটার নিয়ে আসো তো, তো সময় লাগালে হবে না, আমারটা নিয়ে আয়। সো ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু ক্যালকুলেশন ইজ সিমিলার টু ন্যাটো, রাইট? Basically, if the company is hypothetically liquidated today, what is the
रिफंड अवेलेबल पर इक्विटी शेयर होल्डर। नेट एसेट में क्या होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला जाता है, इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाला जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकाला जाता है। बट इंट्रेंसिक वैल्यू में क्या होगा, इफ द कंपनी इज हाइपोथेटिकली लिक्विडेटेड टूडे, एक एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। लेस अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम 4,40,000 ऑलरेडी दे चुका है इधर में, इसका अभी तक निकाला नहीं, हमको मालूम नहीं है। सो दिस इज नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 8,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8,000 है ना, इंट्रेंसिक वैल्यू कितना आएगा, तो 11,30,000 डिवाइडेड बाय 8,000 शेयर कितना आ रहा है बोलो, 141.25। मतलब आज अगर कंपनी बंद हो जाए,
हालांकि कंपनी तो वैसे भी बंद हो जाएगी क्योंकि ये कंपनी ने अपना सारा एसेट एंड लायबिलिटी नया कंपनी को बेच दिया, अमलगमेट हो रहा है। सो दिस इज द रिफंड ईच इक्विटी शेयर होल्डर शुड गेट। राइट, दिस वॉज नेट एसेट फॉर बोथ इक्विटी प्रेफरेंस। दिस वॉज नेट एसेट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ओल्ड वाला। सो मेरा शेयर का वैल्यू 141 है ना। तुम सियाना बन रहा है, तुम क्या सियाना बन रहा है ना? वॉट आर यू डूइंग विथ मी? यू आर ट्राइंग टू एक्ट टू स्मार्ट। कैश पर शेयर, मेरा शेयर का दाम 141.25 है, हाँ या ना? आई एम सरेंडरिंग वन शेयर, इसके बदले में यू आर गिविंग मी 22 रुपीज वाला 6 शेयर। So 141.25 into 1 is 141.25, 22 into 6, 132. So 141.25. So the share which I gave you, the share which I am surrendering, this is what? Surrendering rights. This is obtained. So there is a loss of 9.25. This I need in cash. Mera share ka value is more than what I have obtained from you. Sir, what is intrinsic value? I have to preserve my right. मेरा right को मेरे को preserve करना है। अगर आज आप company बंद कर देंगे तो equity shareholder को कितना वापस मिलेगा? तो सबसे पहले नेटो निकालो। This is similar to नेटो। नेटो निकाला तो ये तो दोनों का इक्विटी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस वाला माइनस कर दो तो बचा हुआ इक्विटी। तो इक्विटी का वैल्यू कितना आ रहा है? हम लोग एक सम किया था जिसमें बचा हुआ इक्विटी था, याद करो। वी डिड वन प्रॉब्लम, उसमें बचा हुआ इक्विटी था हा? तो नया कंपनी इतना रुपए का शेयर देगा, इक्विटी शेयर देगा, तो वी गॉट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर न्यू कंपनी विल इशू। बट यहां पे और कुछ हो रहा है, नया कंपनी ऑलरेडी बता चुका वो कितना शेयर देगा, तो मेरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। This is surrender of my rights. So the value of old company into number of shares surrendered minus value of new company into number of shares obtained divided by number of shares surrendered. So we get per share this much I need. This much I need per share. So you can just note down the formula. Value of old company into number of shares surrendered minus
वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ऑब्टेंड होल डिवाइडेड बाय डन बड़े आ गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर था ना, क्वेश्चन मार्क ये हो जाएगा। सो दिस इज 9.25 इंटू 8000। ₹15,70,000। ठीक है, अगेन अनदर वर्किंग नोट, लेकिन उसके पहले इसको कंप्लीट, अच्छा इसको कर लेंगे पहले कंप्लीट इधर वाला को, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू डू द वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट पेबल बाई केएल लिमिटेड टू इक्विटी ऑब्लिक एल लिमिटेड, पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर 3000 है पुराना, बदले में इक्विटी शेयर ऑफ केएल मिलेगा। छह मिलेगा एक के बदले में, तुम लोग हो 3000। कैश अभी मालूम नहीं है, प्रेफरेंशियल ऑर्डर भी पुराने कंपनी के 3000 हैं, इनको प्रेफरेंस शेयर ऑफ केएल लिमिटेड ही मिलेगा।
ठीक है। अब वही चीज यहां पे करना है अपने को, थ्री लैख थर्टी ऑलरेडी हम प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को दे चुके हैं, तो ये हमारा 4,60,000 आएगा। इनके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3,000, सो 4,60,000 बाई 3,000। ठीक है, अगेन तुम हमको मामू बनाया है यहां पे भी, ठीक है। ये के लिमिटेड वाला कैश पर शेयर है, अगेन हम लोग कैश पर शेयर निकालेंगे एल लिमिटेड वाला। एक शेयर का दाम 153.33 इंटू 1 6 ऑब्टेंड 22 वाला होल डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे कैश पर शेयर कितना आएगा 21.33 पर शेयर। दिस इज सरेंडर्ड, दिस इज ऑब्टेंड, ठीक है। ट्वेंटी 1.33 इंटू 3,000, ये दोनों इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। राउंड ऑफ करेंगे तो 64,000 आएगा। हाँ 63,999.99। 21.33 इंटू 3,000 करो, हाँ वही 0.333 है ना, पुरोटा नहीं तो अभी तो ठीक
ठीक है। हो गया ये वर्किंग नोट। तो यहां पे कैश पर शेयर का निकालना था, तो पहले अपने इंट्रेंसिक वैल्यू निकालेंगे। इफ द कंपनी इज हाइपोथेटिकली लिक्विडेटेड टुडे, व्हाट इज द रिफंड ईच इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट। राइट, तो पहले नेटो निकालेंगे, वो दोनों का होता है, प्रेफरेंस शेयर का माइनस करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का टोटल क्लेम आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे तो अपने को इक्विटी शेयर होल्डर का वैल्यू मिल जाएगा। दिस इज द वैल्यू आई हैव सरेंडर्ड, दिस इज द वैल्यू आई हैव ऑब्टेन्ड, दिस इज द कैश पर शेयर का डिफरेंस। जो सरेंडर्ड ज्यादा है ना मेरा, आई नीड कॉम्पेंसेशन फॉर दैट, सो कॉम्पेंसेट मी इन कैश। आइए, सो दे हैव कॉम्पेंसेटेड मी, ओके। नाउ अपने को क्लोजिंग एंट्री ऑफ बोथ पूछा है, तो अपने एक एक करके करेंगे पहले, क्योंकि दोनों का बुक्स अकाउंट अलग है। क्लोजिंग एंट्रीज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन बनेगा, केएल लिमिटेड बनेगा, न्यू कंपनी, राइट। पहले बैलेंस शीट का अच्छा इसको करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए, ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट प्लस पीसी, दैट्स इट, नो टेक ओवर वैल्यूज। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर रेस्पेक्टिव आइटम ऑफ बैलेंस शीट टू रेस्पेक्टिव अकाउंट एट बुक वैल्यूज। सो इक्विटी शेयर कैपिटल विल गो टू इक्विटी शेयर होल्डर 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल गो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में पूरा का पूरा पीएल है, $371,375, that's it। कैश खरीद लिया इसलिए कैश का अलग से नहीं बनेगा, एसेट में क्या क्या है, एक एक अकाउंट को अलग अलग क्लोज करेंगे। $450 लैंड, $620, $60, गुडविल 80, इन्वेंट्री, सब बुक वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल 275, कैश कितना है 161, अच्छा कैश में भी अलग अलग है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है एक साथ कर दे रहे, 161, 375, एग्जाम में दोनों अलग अलग होगा।
इधर में 5% डिबेंचर 2 लाख, नाउ वी डोंट हैव एनी आइटम इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का सारा आइटम को हम लोग कहीं ना कहीं डाल चुका है, ट्रांसफर रेस्पेक्टिव आइटम ऑफ बैलेंस शीट टू रेस्पेक्टिव अकाउंट एट बुक वैल्यू, इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस जाएगा, प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जाएगा, बाकी सारा एसेट एंड लायबिलिटी जाएगा रियलाइजेशन में बुक वैल्यू में। अब पीसी डीआरडी ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट न्यू कंपनी से लेना है टू रियलाइजेशन, कितना लेना है 15,70,000, यहां पे बाई केएल लिमिटेड 15,70,000। इसका दोनों अकाउंट में जाएगा पोस्टिंग, क्योंकि दोनों ब्लेजर ही बना रहे हैं। अब मिला क्या क्या, बाय प्रेफरेंस शेयर इन केएल $440, बाय इक्विटी शेयर इन केएल $1056 एंड बाई कैश 1056। ठीक है, जिसका जिसका जो जो है दे दो, ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी शेयर इन केएल इधर का है, कैश भी इधर का है, ठीक है। ऐसा कोई एसेट है जो नया कंपनी नहीं खरीदा, नहीं। ऐसा कोई लायबिलिटी है जो नया कंपनी नहीं अज्यूम किया, नहीं। रिक्विडेशन एक्सपेंसेस, नहीं। ओल्ड कंपनी ऐसा कोई खर्चा का पैसा नहीं दिया है, राइट। ड्यू रियलाइज डिस्ट्रीब्यूट, नाउ पैकअप, पहले प्रेफरेंशियल ऑर्डर पैकअप होगा। ये जाएगा रियलाइजेशन में कितना, 40,000, तो टैली हो जाएगा। यहां आएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 40, अभी शायद लॉस है ना, लॉस आचे, सो दिस इज बैलेंसिंग फिगर वन।
बाय इक्विटी शेयर होल्डर, ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर टू। तो यहां पे आएगा टू रियलाइजेशन, कितना आ रही है? 41,375, 41,375, डन। ये हो जाएगा टैली। ये बैलेंसिंग फिगर वन, ये बैलेंसिंग फिगर टू, और ये टैली हो जाता है। सिमिलरली आई कैन डू फॉर एल इन द सेम मैनर। ओल्ड कंपनी का बैलेंस शीट प्लस पीसी वर्किंग नोट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट right। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, यहां पे जर्नलिज्म अलग से है 1 लाख, पीएल देखना पड़ेगा, याद नहीं है। नाइन्टी सेवन वन सेवेंटी फाइव, डन। कोई मार्केट वैल्यू इस सब से मतलब ही नहीं हम लोगों को। टू लंदन बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, यहां गुडविल नहीं है, टू इन्वेंट्री, टू ट्रेड रिसीवेबल, टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 3 लाख, 5 लाख, 20,000, 140, 175,
72 175. That's it. ठीक है, पीसी डी ओ आर डी करना है, 2 रियलाइजेशन अकाउंट कितना 790, रिसीव करो अब बाय इक्विटी शेयर इन केएल। ये ड्यू हो गया, रियलाइज हो गया, इक्विटी शेयर इन केएल कैश 64, डन। अब करना है हमको पैकअप।
इसमें कितना आ रहा है, इसमें भी लॉस ही आएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर। बैलेंसिंग फिगर टू कितना कतो, थर्टी सेवन वन सेवेंटी फाइव। ये बैलेंसिंग फिगर वन, ये बैलेंसिंग फिगर टू, और ये टैली हो जाएगा। हाँ यहाँ लॉस होता है, यहाँ प्रॉफिट होता है। डेबिट इज मोर देन क्रेडिट ना, इसलिए यहाँ पे लॉस आ रहा है। दिस इज रियलाइजेशन लॉस, इसको हम रियलाइजेशन लॉस बोलते हैं। सेम एज रिवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन में नया कंपनी नहीं बोला, लेकिन हम लोग वो भी करेंगे। सबसे पहला बिजनेस परचेज डेबिट टू, लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ एल लिमिटेड, 15,70,000, 7,90,000। ट्वेंटी थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड। एसेट लाइबिलिटी खरीदा एट न्यू वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग के का है 450, उसका है 3 लाख, 7,50,000, प्लांट एंड मशीनरी उसका है 6 लाख। हाँ कितना है, सिक्स ट्वेंटी प्लस 5 लाख,
फर्नीचर 60,000 प्लस 20,000 गुडविल खाली एक का ही 80,000। इन्वेंट्री सब नया वैल्यू पे है, 2,2500 प्लस उसका कितना है, 137,200। थ्री फाइव 7,700। ट्रेड रिसीवेबल 268,125 प्लस। फोर थर्टी एट 750। कैश जोड़ना है, फोर्टी वन 375 प्लस 17,175। बैंक 175। एक लाइन छोड़ के टू डिबेंचर इन के लिमिटेड 190 इसका टेक ओवर वैल्यू है। टू ट्रेड पेबल 3,10,000, 1,00,000 एंड 2,10,000। सर ये मर्जर मेथड है कि परचेस मेथड है? एसेट एंड लाइबिलिटी आर बींग टेकन ओवर एट अदर वैल्यूज प्लस कैश भी दे रहे हैं हम लोग। हाँ, ओल्ड कंपनी करते वक्त मतलब ही नहीं है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है कि परचेज मेथड है? इट इज द न्यू कंपनी ऑन विच AS-14 इज अप्लाइंग। AS-14 डजेंट अप्लाई इन ओल्ड कंपनी, AS-14 हमेशा न्यू कंपनी पे अप्लाई करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ऑलवेज अप्लाइज टू न्यू कंपनी, डजेंट अप्लाई टू द ओल्ड कंपनी, राइट? सिक्योर्ड लोन भी खरीदा है 2,00,000 का, टू बिजनेस परचेज 23,60,000। देखो इस एंट्री में कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? जस्ट चेक, सेवन लैख फिफ्टी, 11,20,000, 80 प्लस 80, 357,700, 438,585।
1,70,000 30,60,000 माइनस 1,90,000 माइनस 3,10,000 पूरा मिल गया, देयर इज नो डिफरेंस बीइंग एसेट लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेटेड एट न्यू वैल्यू. ठीक है, अभी पेमेंट ऑफ पीसी होगा ना, पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन होगा, दोनों को अलग अलग पेमेंट करेंगे. लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड डेबिट, इसको देना है 1,570,000. ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश. अभी हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा, देखो ये जो K का जो परचेस कंसिडरेशन है इसमें पेड अप वैल्यू कितना है, एक्स्ट्रा स्कोर जो कंपनी रिसीव करेगा शेयर, ओल्ड कंपनी रिसीव कर रहा है तो ओल्ड कंपनी एंट्री बाइस पे ही करेगा, बट जो इश्यूइंग कंपनी है उसको ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा. तो यहां देखेगा तो 20,000 शेयर है, इधर देखेगा तो 48,000 शेयर है. ठीक है, तो ये होगा 48,000 शेयर का 18 रुपीज यहां जाएगा, 20,000 शेयर का 18 रुपीज यहां जाएगा. फोर्टी एट थाउजेंड का 4 रुपीज इधर, 20,000 का 4 रुपीज इधर.
48,000 का 18, 864, ये आएगा 3,60,000, ठीक है। कर सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक तो जो भूल ऐसी कोई होएगा ना मुश्किल हो जाएगा। ये 18,000 शेयर आएगा, ये 15,000 शेयर आएगा, और ये 18,000 शेयर का 4 रुपया प्लस 15,000 शेयर का 4 रुपया सेवन लैख 90 है, 18,000 × 18 324, देख लो। पंद्रह हजार शेयर आ रहा है 18,4 18,4 ठीक है। ठीक है, 324 प्लस 2,70,000 प्लस 64 प्लस 132 डन। अब डिबेंचर को बदल के डिबेंचर देना है, डिवेंचर इन के लिमिटेड 190, नया कंपनी डिवेंचर दे रहा अपना
6% डिवेंचर है, टू 6% डिवेंचर बीइंग ओल्ड डिवेंचर एक्सचेंज्ड फॉर न्यू, ठीक है। Done. I don't think anything else left. हाँ, न्यू शेयर इशू किया ना, 15,000 शेयर इसका एंट्री होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम बीइंग इक्विटी शेयर इश्यूड यहां पे तो आएगा 15,000 इंटू 22 और इधर ब्रेकअप होगा 15,000 इंटू 18 Let me just check once. That's it. So business purchase to liquidator, then business purchase kiya. Rights has already been reserved. Isne yahan pe no goodwill, capital reserve aaya. दोनों का अलग अलग पीसी का पेमेंट हो गया,
डिबेंचर एक्सचेंज ऑलरेडी ये टेक ओवर वैल्यू पे खरीदा था, दिस वॉज ऑलरेडी द टेक ओवर वैल्यू, खाली एक्सचेंज करना है. म्यूचुअल सेट ऑफ एंड देन न्यू शेयर इश्यूड. तो यहां पे जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा केएल लिमिटेड का, केएल लिमिटेड का अपना कोई बैलेंस शीट नहीं है, जो भी है जर्नल एंट्री में अपना कोई बैलेंस शीट नहीं है केएल का. होमवर्क. ठीक है, बाय बाय. केएल लिमिटेड का अपना कोई बैलेंस शीट नहीं है, जो भी है ये जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट बनाना है. इधर में 48,000 शेयर इश्यू हुआ है, ऐसे करके जोड़ लेना. फिर यहां 18,000 शेयर इशू हुआ है, फिर यहां 15,000 इशू हुआ. ठीक है, ऑफ रुपीज 20, रुपीज 18 पेड़ा, पैसे करके लिखेंगे. बाय.